हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है, डिफरेंट वायर्स का नेटवर्क है, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से वापस ब्रेन में। बीच में आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सपोज़ ये आपका ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि आपके बॉडी के नर्व से अटैच है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी पार्ट से ट्रैवल होगी वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, फिर ब्रेन तक जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आएगी वो स्पाइनल कॉर्ड में पहले आएगी, फिर वो आपके बॉडी के पार्ट्स पे जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वायर्स के बीच में। उन वायर्स को हम नर्व्स कहते हैं। वायर्स वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे वायर्स का नेटवर्क होता है, बिल्कुल वैसा ही नेटवर्क है नर्व्स का। और जैसे वायर्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है ब्रेन तक। तो इसलिए इसको मैं वायर से ज़्यादा वर्ड यूज़ करके आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप इमेजिन कर सकें कि किस तरह का नेटवर्क होगा जब बहुत सारी वायर्स एक साथ होती हैं। उस टाइप का नेटवर्क होता है जिसका काम है बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करना, और इस पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व्स हैं बहुत सारी छोटी छोटी, और उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नर्वस सिस्टम का बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट एक इन्होंने दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। देखो यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड है नर्वस सिस्टम। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है क्योंकि आपकी बॉडी के सेंटर में होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी बाकी बॉडी में जो नर्व्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के आपके पूरे बॉडी में जो नर्व्स हैं वो इसमें आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। दोनों का ही काम है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ब्रेन का क्या काम है, सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करना और सारे ऑर्डर्स भेजना, सारे मसल्स को, ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से पाथवे है, कनेक्टिंग पाथवे है ब्रेन का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। मतलब ये ब्रेन को आपके बॉडी के बाकी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है पेरिफेरल। इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक है ऑटोनॉमिक, एक सोमैटिक। तो ऑटोनॉमिक एक तरीके से ऑटोमेटिकली काम करने वाला सिस्टम है, जिसमें कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गया, प्यूपिल डायलेशन हो गया, आपकी आंखों की जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होना, डाइजेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो कंट्रोल हो गया, इंटरनल ऑर्गन में आपका इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। तो ये सब काम जो ज़रूरी हैं बॉडी के लिए वो इसमें आते हैं, जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके सेंसेस को फॉलो करके काम करता है। जैसे सपोज़ आपने किसी चीज़ को देखा, आपकी विजन भी एक सेंस होती है ना। आपने कुछ देखा तो वो जो आपने देखा वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ट्रैवल हुई और आपकी ब्रेन ने उस चीज़ की इमेज बनाई आपके माइंड में, तो आपको वो चीज़ एज इट नज़र आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जाती है। और इसमें मसल्स की मूवमेंट भी आ जाती है, जो कि वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी नहीं है, वॉलेंटरी है क्योंकि वो हम खुद करते हैं। ये वाले एक तरीके से इनवॉलेंटरी फंक्शन है जिसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। उसके बाद आता है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप के वो हैं, सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। जो ऑटोनॉमिक है मतलब ऑटोमेटिक होता है, ये वाला है जब पैरासिम्पैथेटिक, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, आराम कर रही होती है, तो जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो मेंटेन्ड रहते हैं और एनर्जी सेव होती है हमारी। तो ये उस टाइम पे ये सिस्टम काम करता है। और ये वाला है सिम्पैथेटिक, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, टेंशन में होती है, थोड़े से फंक्शन हमारे बॉडी के फास्ट हो जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उस टाइम पर ये वाला डिवीज़न काम करता है सिंपैथेटिक। डिटेल में अभी आगे देखेंगे इसमें क्या है। सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स में द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस इज अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस टिश्यू। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम न्यूरोसाइंस बोलते हैं। और जब इस चीज़ को हम अपने बिहेवियर से रिलेट करते हैं कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से मैनिपुलेट होता है बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, तो उसको हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर बिहेवियरल न्यूरोसाइंस बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे न्यूरोसाइंस को अपनी साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, अपने बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेसेस से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नर्वस सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है रिटर्न में, जिसकी डायग्राम यहाँ पे है। इसकी अगर आपने और डिटेल में देखना है तो हमने बेसिक इसका 11-12 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 11-12 की वीडियो आप देखेंगे जब मेरी NCRT के, तो उसमें न्यूरॉन्स का हमने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, जो इधर दिखाया है इन्होंने, ये एक न्यूरॉन्स है, इस टाइप से होते हैं ये देखने में, ऐसे इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है। बीच में होता है न्यूक्लियस, और साइड में जो आपको बहुत सारे ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं निकले हुए, जो ये ब्रांचेस हैं ये वाले, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये ब्रांचेस जो है हर एक न्यूरॉन में है। देखिए ये भी एक न्यूरॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी एक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। बॉडी में अनगिनत न्यूरॉन्स हैं और सब में छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं जो इसको दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इसकी एक ब्रांच ख़त्म हो रही है, तो इसी ब्रांच से ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, जो ब्रांच दूसरे न्यूरॉन से आ रही है। तो ऐसे ही सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ब्रांचेस के थ्रू, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स ब्रांचेस को। ये जो बीच में सेल है और ये वाला पार्ट है जो न्यूरॉन का, ये वाला, इसको बोलते हैं सोमा। सोमा क्या चीज़ है, न्यूरॉन की बॉडी है, और उसके बीच में आता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये आसपास की जो बॉडी है ये है सोमा। उसके बाद ये एक्सॉन है, ये जो वायर टाइप की चीज़ यहाँ पे जा रही है ये एक्सॉन है, ठीक है। और ये एक्सॉन किस चीज़ से कवर करा हुआ है, एक्सॉन को छोटे छोटे ये जो कवर लगे हुए हैं एक्सॉन के ऊपर, इसको बोलते हैं, ये वाले कवर, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, ये वाले। आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कोई कॉपर वायर है, जब वो वायर एक्सपोज होती है तो सेफ नहीं होती ना, तो उसको हम प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। तो ये वही चीज़ है कि ये कॉपर वायर है जिसको कवर किया हुआ है प्लास्टिक से, तो ये माइलिन शीथ है कवर का नाम। और ये बहुत सारी वायर्स हैं, ये वायर्स हैं जो बहुत सारी जा रही हैं, और ये इसका जो मेन बॉडी है सोमा, बीच में न्यूक्लियस है, और ये वायर का नाम है एक्सॉन और कवर का नाम है माइलिन शीथ। और जहाँ पे ये ख़त्म होता है जाके, जैसे सपोज़ ये छोटे छोटे ख़त्म हो रहे हैं ब्रांचेस जहाँ पे, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। ये जहाँ पे ये ब्रांचेस ख़त्म हो रही हैं, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होके दूसरे न्यूरॉन पे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। अभी इसको आप आगे और डिटेल में भी पढ़ोगे। तो थ्योरी में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव्स एंड सेंड मैसेज। इसका मेन काम क्या है, मैसेज रिसीव करना और सेंड करना। और इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो कि ब्रांचेस होती है, मैंने बता दिया आपको। इसकी बॉडी को हम सोमा बोलते हैं, और जो फाइबर है उसका एक्सॉन, उसको बोलते हैं, एक्सॉन का ग्रीक में मतलब होता है एक्सिस, जो कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ की बात करी हुई है, ग्लियल सेल्स की। ग्लियल सेल्स की इन्होंने पिक्चर नहीं दी हुई है। ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट की फ़ोटो है, जो हम अभी आगे बात करेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो मैं पहले आपको ग्लियल सेल्स बता देती हूँ। ग्लियल सेल्स है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द सेल्स इन द ब्रेन आर न्यूरॉन्स। ब्रेन में 10% सेल्स तो न्यूरॉन्स हैं, लेकिन बाकी जो 90% सेल्स हैं वो ग्लियल सेल्स हैं। और ग्लियल सेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन से, क्यों, क्योंकि ग्लियल सेल्स क्या है, जिनसे न्यूरॉन्स बनते हैं। तो ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स बनाने में हेल्प करते हैं। इनका क्या फंक्शन है, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट देते हैं, न्यूरॉन्स का ध्यान रखने में, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिएंट्स गेटिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ द न्यूरॉन, क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ न्यूरॉन दैट हैव डाइड. अगर कोई न्यूरॉन बीच में ख़त्म हो जाता है तो उसको क्लीन अप करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना. तो जितना भी न्यूरॉन काम करता है उसको पूरे हर काम में सपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो ग्लियल सेल्स का है. Glial cells that provide support for the neurons to grow on and around, deliver nutrients to the neuron, produce myelin to coat axons, clean up waste products and dead neurons, influence information processing during prenatal development, influence the generation of neurons. जब छोटे बच्चों के नए नए neurons बन रहे होते हैं brain cells, तो उसमें भी glial cells help करते हैं उसको बनने में. और ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट देते हैं हेल्दी रखने के लिए, माइलिन कोट करते हैं उसके ऊपर ताकि वो जो है प्रोटेक्टेड रहे, क्लीन अप करते हैं अगर कोई न्यूरॉन वेस्ट हो जाता है तो उसको क्लीन करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं और नए न्यूरॉन्स बनने में हेल्प करते हैं. तो एक तरीके से ग्लियल सेल्स जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होंगे तो ना नए न्यूरॉन्स बनेंगे और ना ही पुराने वाले क्लीन अप होंगे. तो इनका होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा. दो तरीके के ग्लियल सेल्स होते हैं, एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं श्वान सेल्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का ध्यान रखते हैं और जो श्वान सेल्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का ध्यान रखते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो आपके बॉडी पार्ट्स में जो न्यूरॉन्स हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का मतलब जो मेन है ब्रेन वाले और स्पाइनल कॉर्ड वाले उनका ध्यान रखते हैं, और श्वान सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का ध्यान रखते हैं. नर्व्स किसे कहते हैं? अगर नर्व्स की डेफिनेशन आ जाती है तो बंडल ऑफ माइलिन कोटेड एक्सन्स, जो एक्सॉन्स, जो आपका माइलिन कोटेड एक्सॉन्स है उनका जो बंडल है उसको हम बोलते हैं नर्व्स. जैसे केबल्स होते हैं, केबल वायर्स होते हैं, उस टाइप से उसके बंडल को हम बोलते हैं नर्व्स. नेक्स्ट आता है इसमें कि जब एक मैसेज ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो एक्चुअली वो कैसे होता है. तो यहाँ पे पहले आप ये डायग्राम देख लो, उसके बाद थ्योरी देखेंगे. इसको हम एक्शन पोटेंशियल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए. ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल. तो इस ये होता है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे देख लो. जब न्यूरॉन रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो उसके अंदर माइनस चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर, ठीक है, और बाहर उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और अंदर सारे नेगेटिव चार्ज हैं जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग पोजिशन पे होता है. जैसे ही इसके पास सिग्नल आता है तो क्या होता है, जैसे सिग्नल आता है तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं न्यूरॉन के. तो जो सोडियम आयंस हैं, जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम आयंस के चार्ज हैं, सोडियम आयन के पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं न्यूरॉन के, और ये आगे ट्रांसमिट होते जाते हैं, एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट पर जंप करके जाते रहते हैं. तो अंदर नेगेटिव हो जाता है, फिर बाहर से पॉजिटिव आता है तो अंदर पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये जंप करके जब दूसरे वाले पे जाता है तो ये वापस नेगेटिव हो जाता है और अगला वाला पॉजिटिव हो जाता है. मतलब यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव 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 है अंदर, ऊपर पॉजिटिव 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 है. जब इसके पास कोई, ये रेस्टिंग पोजीशन है मतलब न्यूरॉन्स एट रेस्ट है, अभी इसके पास कोई सिग्नल नहीं आया है, तो अंदर से नेगेटिव है बाहर से पॉजिटिव है. जैसे इसके पास सिग्नल आता है जिसको हम न्यूरल इम्पल्स बोलते हैं. द एक्शन पोटेंशियल अकर्स व्हेन द पॉजिटिव सोडियम आयंस एंटर इनटू द सेल कॉजिंग द रिवर्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है जो बाहर के पॉजिटिव सेल है, जो सोडियम आयंस बोलते हैं जिनको, वो अंदर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है, As the action potential moves down the axon towards the axon terminal, the cell areas behind the action potential return to their resting state. जैसे जैसे ये आगे आगे ट्रांसफर होता है, जैसे समझ लो यहाँ पे एक्सॉन है, एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है उसका, ये एक्सॉन है, ठीक है, आगे इसकी ब्रांचेज हैं ऐसे दो तीन. अब कोई सिग्नल आएगा तो वो यहाँ से आएगा इसके पास और ऐसे ट्रैवल करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे ये माइलिन कोटिंग हो रखी है, एक्सॉन की माइलिन शीट से कोटिंग हो रखी है। अब इसके अंदर माइनस वो है, माइनस चार्ज है और बाहर प्लस चार्ज है। जैसे ही कोई सिग्नल आया ये जो प्लस चार्ज है बाहर के ये अंदर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगे और अंदर प्लस हो जाएगा, अंदर की तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर ये यहाँ से जंप करके इधर जाएगा मैसेज, क्योंकि ये मैसेज तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर प्लस थे वो अंदर चले गए और ये वाले वापस माइनस हो जाएंगे जो पहले प्लस थे। फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे अंदर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और बाहर जो प्लस था वो अंदर ट्रेवल कर जाएंगे सोडियम आयंस और ये वाला वापस माइनस हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता रहता है पीछे वाले नेगेटिव चार्ज वापस आते रहते हैं और आगे वाले पॉजिटिव होते रहते हैं। तो इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये ग्राफ में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पहले न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही उसमें सिग्नल आया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वापस से वो आगे ट्रांसफ़र हो गया तो वापस से वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो आता है वो इस पे आता है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और उस टाइम पे क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं कि नेगेटिव। तो आपको यही बताना है कि एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करता है अंदर की साइड। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ थ्योरी में भी लिखी हुई है। थ्योरी थोड़ी सी लंबी है, इसमें मैं बीच बीच में से पढ़ूंगी। इसमें लिखा है जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है लेकिन उसके अंदर माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, ठीक है, आयंस बोलते हैं जिसको। एक सेमी लिक्विड सॉल्यूशन होता है ऑल्सो सराउंड आउटसाइड द सेल, उसके आउटसाइड भी आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। सो द रिलेटिव चार्ज ऑफ आयंस इनसाइड द सेल इज मोस्टली नेगेटिव, अंदर ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अंदर की साइड ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं और बाहर पॉजिटिव होते हैं। एंड द रिलेटिव चार्ज ऑफ आयंस आउटसाइड द सेल इज मोस्टली पॉजिटिव, और जो बाहर होते हैं वो मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सेमी परमिएबल, वो जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब उसके अंदर ऐसे जाने की जगह होती है, अंदर जाने के लिए जगह होती है, सेमी परमिएबल। This means that the outside substances outside the cell can enter through tiny protein openings. Semi-permeable का मतलब कोई चीज़ अगर बाहर है तो उसके अंदर जा सकती है, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए, टाइनी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं जा पाएगी। Okay. Inside the cell is a concentration of both smaller positively charged potassium ions एंड लार्जर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस। जो सेल्स हैं उसके अंदर हमने अभी देखा नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज बड़े होते हैं और पॉजिटिव चार्ज छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देते, हम नेगेटिव पे ध्यान देते हैं। तो पॉजिटिव जो है चार्ज वो पोटेशियम आयंस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, प्रोटीन आयंस होते हैं। The negatively charged protein ions, however, are so big that they can't get out, which leaves the inside of the cell primarily negative. अब जो ये positive वाले हैं ये तो छोटे छोटे हैं, तो ये तो बाहर आ सकते हैं उससे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, लेकिन negative charge इतने बड़े हैं कि वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें mostly जब हम देखते हैं तो वो हमें negative ही नज़र आता है, positive नज़र नहीं आता। positive बाहर अंदर travel करते रहते हैं। अब वो ट्रेवल कब करते हैं, जब कोई सिग्नल आता है। उसके बाद द सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल आर ऑल द फैंस इन द एरिया एंड दे वांट टू गो इनसाइड टू सी द गेम्स। ओके, इन्होंने ये बोला है कि सपोज बाहर जो पॉजिटिव आयंस है वो वेट कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने के लिए कब जगह मिलेगी। तो जैसे ही कोई सिग्नल आता है आगे वाले एक्सॉन से, जैसे ही कोई सिग्नल आता है ये सारे अंदर की तरफ भागते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो सिग्नल आगे की तरफ बढ़ जाता है तो इनको सबको बाहर आना पड़ता है वापस, क्योंकि फिर इनको अंदर जाना होता है। सिग्नल आगे बढ़ जाता है तो इन सबको बाहर आना पड़ता है वापस। तो व्हेन द सेल इज रेस्टिंग, विच इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, द फैन्स आर स्ट्रक्ट आउटसाइड, मतलब पॉजिटिव आयंस बाहर ही होते हैं। द सोडियम आयंस कैन नॉट एंटर व्हेन द सेल, जब ये रेस्ट पे है तब ये अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो अंदर जाने की जो चैनल्स हैं वो ओपन नहीं है। उसके बाद व्हेन द सेल रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलेशन, जैसे ही स्टिमुलेशन का मतलब आप समझ लो सिग्नल मिलता है उसको, जैसे ही एक सेल को सिग्नल मिलता है द सेल मेम्ब्रेन्स ओपन अप एंड दोज पर्टिकुलर चैनल्स वन आफ्टर द अदर ऑल डाउन इट्स सरफेस, अलाउइंग द सोडियम आयंस टू रश इनटू द सेल। तो जैसे ही कोई सिग्नल आता है ये यहाँ पे जो जगह है ये ओपन अप हो जाती है, ये जगह ओपन अप हो जाती है, जिससे क्या होता है ये अंदर की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है जो अंदर जो सेल होता है उसका वो जो नेगेटिव था अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस अंदर जा चुके हैं। लेकिन वो वहीं रुकते नहीं है, वो आगे ट्रेवल करते रहते हैं, क्योंकि सिग्नल है एक जगह रुकता नहीं है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज रिवर्सर इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, जब वो चार्ज उसके अंदर का नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रिवर्स हो गया, क्योंकि वो एक्शन में है, वो रेस्ट में नहीं है। ठीक है, ईच एक्शन पोटेंशियल सीक्वेंस टेक्स अबाउट 1000 ऑफ अ सेकेंड, सो द न्यूरल मैसेज ट्रेवल्स वेरी फास्ट फ्रॉम 2 miles per hour इन द स्लोवेस्ट शॉर्टेस्ट न्यूरॉन्स टू 270 miles per hour इन अदर। ये कह रहे हैं कि मैसेज ट्रांसफ़र होने में सिर्फ 1000 ऑफ अ सेकेंड टाइम लगता है, मतलब जो आपका मैसेज है ना वो 2 miles per hour ट्रेवल करता है स्लोवेस्ट में। स्लोवेस्ट अगर हम देखा जाए तो 2 miles per hour की स्पीड से ट्रेवल करता है एंड 270 miles per hour नॉर्मल स्पीड है उसकी। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी थ्योरी जो थी बहुत सारी लंबी चौड़ी, उसमें यही समझाया है कि अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, बाहर पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी ये रेस्ट पे है और जैसे ही कोई सिग्नल आता है ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर चले जाते हैं और वो सिग्नल आगे जब बढ़ता है तो इनको वापस बाहर आना पड़ता है, फिर यहाँ से पॉजिटिव अंदर ट्रेवल हो जाते हैं जो इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये एक्शन पोटेंशियल का मतलब है जब एक्शन हो रहा है, कि यहाँ अंदर का चार्ज जब चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और जब ये रेस्ट पे होता है तो ये माइनस रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, इसमें अब यहाँ पे ये जो सिनेप्स दिखाया हुआ है ये वो नॉब है जहाँ से ट्रांसफ़र होता है मैसेज। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ये डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट की जो एंड का पोर्शन था, जो डेंड्राइट निकले हुए थे बहुत सारे, उनका जो एंड का पोर्शन था ये वाला, ये वो चीज़ है। तो ये जैसे ये नर्व आ रही है यहाँ पे, ये सिनेप्टिक नॉब है जिसको इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, उसके अंदर के पार्ट्स हैं, ये सोडियम आयंस है इसके अंदर, और ये रिसेप्टर, ये एक सिनेप्टिक नॉब से दूसरी जगह पे जब ट्रांसफ़र होता है तो इसको बोलते हैं सिनेप्स। ये सिनेप्स वर्ड इंपॉर्टेंट है। द नर्व इम्पल्स रीचेज द सिनेप्टिक नॉब्स ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर केमिकल्स। यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल है, क्योंकि वो प्लस और माइनस की उसमें फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अंदर की साइड, लेकिन जब वो बाहर आते हैं इससे थोड़ी देर के लिए तो वो केमिकल में चेंज हो जाते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। फिर वो जब वापस अंदर चले जाते हैं दूसरे डेंड्राइट में तो ये फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐसे होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल्स में चेंज हो जाता है, फिर केमिकल वापस से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होता है मैसेज। तो ये न्यूरोट्रांसमीटिंग के बारे में इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका इस टॉपिक से, सेंडिंग द मैसेज टू अदर सेल्स। इसको मैं यहीं पे अभी ख़त्म कर रही हूँ, तब तक आप देखिए, आपको कोई डाउट है तो आप पूछना इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।